अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर भी रायपुर से ही है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल किया गया है। खैरागढ़ श्रीकानान गंडई जिले के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई। सालेवारा तहसील के लिए भी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। तो सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ है। खैरागढ़ श्रीकानान गंडई जिले के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ है। खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिले के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई है। सालेवारा तहसील के लिए भी राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को जिले के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। इनके साथ ही सालेवारा को तहसील बनाने को लेकर भी अधिसूचना प्रकाशित की गई है। सीएम भूपेश ने खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिला बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोमवार को जिले के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता भोजेंद्र का। भोजेंद्र, जो खैरागढ़ उपचुनाव हुआ था उससे पहले हमने देखा कि भूपेश बघेल ने घोषणा की थी, जनता से वादा कहीं ना कहीं से कह सकते हैं किया था खैरागढ़ को जिला बनाने का, और अब उसको लेकर अमल किया गया है। राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई, साथ ही सालेवारा तहसील के लिए भी राजपत्र में अधिसूचना जारी हुई है। खैरागढ़ का जो उपचुनाव है उसके पहले प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की प्रत्याशी 16 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी रिजल्ट आएगा, कांग्रेस के विधायक अगर जीत के आते हैं तो तुरंत ही खैरागढ़ को जिला बना दिया जाए। तो लंबे समय से खैरागढ़ वासियों की मांग थी कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए, जिसको लेकर वो लगातार प्रयासरत थे, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत किए थे। उप चुनाव में जैसे ही कांग्रेस की जीत हुई, रात में 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खैरागढ़ को जिला बनाने का ऐलान भी किया। साथ ही अब राजपत्र में भी अब खैरागढ़ श्रीखदान और गंडई को जिला बनाने के लिए राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया, जिला प्रकाशित कर दिया गया। साथ ही सालेवारा जो उप तहसील था उसको तहसील बनाने के तहत के लिए भी राजपत्र में जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था वो कर दिया खैरागढ़ वासियों के लिए, खैरागढ़ को अब पृथक जिला के रूप में राजनांदगांव से पृथक हो गया, खैरागढ़ श्रीखदान और गंडई जिले के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से जनता से जो वादा किया गया खैरागढ़ उपचुनाव के बाद, उस वादे को पूरा भी किया जा रहा है। अब इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा हम देख सकते हैं सीएम भूपेश बघेल को, भूपेश सरकार को मिल सकता है। जी निश्चित तौर पर, 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे, जिला बनाने से फायदे तो होंगे, साथ में कई जगह के नुकसान भी हो सकते हैं। कई छत्तीसगढ़ में कई और ऐसे जिले हैं जो पृथक जिलों की मांग को लेकर लगातार जुड़े हुए हैं। खास करके बात करें कांकेर का जो अंतागढ़ वाला क्षेत्र है, अंतागढ़ पखाजी वाला क्षेत्र, अलग जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। और साथ ही जो बलौदाबाजार भाटापारा है उसको भी अलग जिला बनाने की मांग को लेकर वहां के लोग लगातार जो है बात कर रहे हैं। हालांकि नया जिला जब सूची बनी तो भाटापारा बलौदाबाजार को नया जिला बनाया गया था, रायपुर से अलग करके उसको नया जिला का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी भी वहां पे बलौदाबाजार और भाटापारा को पृथक अलग अलग करने की मांग को लेकर लगातार लोग जुटे हुए हैं। साथ ही और भी ऐसे छत्तीसगढ़ में कई और जगह है जहाँ पे नई जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार मांग सामने आ रही है। तो यह भी कह सकते हैं कि एक नई मुसीबत भी बन सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि हर जगह के लोग नया जिला बनाने की बात करेंगे, साथ में इसको बीजेपी इसको मुद्दा भी बना सकती है।
बिल्कुल भूजेंद्र, एक चीज आपने जिस तरीके से बताई कि अन्य जो है क्षेत्र ऐसे हैं जिनको जिला बनाया जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रवासी हैं, जिलेवासी हैं, वो कहीं ना कहीं टकराव देखने को जनता के बीच में मिलेगा। और जिस प्रकार से खैरागढ़ भले ही जिला बना दिया गया हो तो खैरागढ़ की जनता में खुशी होगी, लेकिन इससे अन्य लोगों को परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं ठीक है, अगर आप एक जगह जो है सौगात दे रहे हैं तो दूसरी जगह से आपके लिए मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं, और बीजेपी अगर इस मुद्दे को अच्छे से बुना लेती तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल पूनम, 2023 के चुनाव से पहले कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बड़े बड़े जिले हैं और अलग पृथक जिला बनाने की मांग लगातार उठती है, खास करके कांकेर का जो अंतागढ़ और ये पखांजूर वाला एरिया है वो अलग से एक विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वो लगातार वो मांग भी कर रहे थे। भाटापारा के लोग हैं, अब कोरिया में है, ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ में करीब 4 से 5 और जगह है जहाँ पे लगातार पृथक जिला बनाने की मांग लगातार सामने आ रही है। चुनाव ये 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि खैरागढ़ को जिला बनाने के बाद अब बाकी जगहों के लोगों की भी आवाज तेज होती नजर आ रही है और उनको भी जिला बनाने की मांग अब किया जा रहा है। साथ ही सोशल नेटवर्कों में भी काफी छत्तीसगढ़ सरकार की काफी हस्ती की टिटोली भी की जा रही है कि 90 विधानसभाओं के साथ 90 जिले भी बना दिया जाए, क्योंकि खैरागढ़ जिला बनाने का कहीं ना कहीं फार्मूला जो था वो चुनाव में काम आया और 20,000 वोटों के साथ कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जीत हासिल की है। बीजेपी भी इसको मुद्दा बना रही है कि जिला बनाने की बात को लेकर ही कांग्रेस खैरागढ़ चुनाव जीत। बिल्कुल, इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये वादा आगे आने वाले समय में कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। बने रहिए भूजेंद्र आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, घोषणा तो की, घोषणा पर अमल भी किया गया, लेकिन अब इसके बाद क्या कुछ स्थितियां बनती हैं ये देखना दिलचस्प होगा।